गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू सब्जेक्ट SST, रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ हाउस। इस टाइप्स ऑफ हाउस में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के हाउस बताए जाएंगे, उनके मटेरियल्स बताए जाएंगे और उनको किस तरह रखा जाता है, सभी इम्पोर्टेंस चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ये एक स्लोगन है कि घर जो होता है वह सबसे प्यारा होता है, अच्छा होता है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन द एंड टू कीप आवर बिलोंगिंग। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्टॉर्म, विंड, एनिमल्स एंड थीव्स। हाउस जो होता है वह हमें रहने के लिए बहुत जरूर, रहने के लिए एक जगह होता है जिसमें हम लोग एक साथ मिलकर अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं। यह हमें गर्मी, ठंडा, बरसात, धूल, तूफान, जंगली जानवर, चोरों आदि से बचाता है। द टाइप्स ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड ऑन फ्लोइंग थिंग्स। तो घर जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है बनाने के लिए, ये तीन चीज़ों में डिपेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ स्पेस, जगह के पर डिपेंड करता है। मनी वी कैन स्पेंड, कितना हम लोग खर्च कर सकते हैं घर बनाने में। थर्ड है द बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एरिया, और हमारे आसपास कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं उसी के आधार पे हम लोग घर बनाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो होता है वह विलेज में देखा ज़्यादातर बनता है, और ये जो होता है नॉट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग हाउस, तो ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाला या स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होता है, कमज़ोर होता है। दे आर बिल्ड ऑफ मड, स्ट्रो, बैम्बू, लिप्स, तो इन सब मटेरियल से कच्चा हाउस बनाया जाता है। इसको टेम्प्रोरी हाउस भी कहा जाता है, और इसको हम लोगों को रिपेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। सेकंड है पक्का हाउस। पक्का हाउस बिल्ड इन सिटीज़, शहरों में बनाया जाता है। यह स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला होता है। इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, कंक्रीट, इन सब मटेरियल से पक्का हाउस बनाया जाता है। दे लास्ट फॉर मेनी ईयर्स एंड डू नॉट नीड रेगुलर रिपेयर, ये बहुत सालों तक टिकने वाला होता है और इसे रेगुलर रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। तो पक्का हाउस की टाइप्स दिए हुए हैं, इसमें बंगलो, डबल स्टोरेज फ्लैट और अपार्टमेंट, फ्लैट को अपार्टमेंट भी कहा जाता है। बंगलो जो होता है यह एक बड़ा घर होता है जिसके सामने एक लॉन बनता है, बनाया जाता है। डबल स्टोरेज ये दो फ्लोर वाला घर होता है। फ्लैट्स और अपार्टमेंट यह जो होता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है जिसमें दो से अधिक फ्लैट्स होते हैं। आगे है सम अनयूजुअल हाउस, ये जो होते हैं वह सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, ये खास जगह पर ही पाए जाते हैं, और ये एक्चुअली होता टेम्प्रोरी हाउस होता है। इग्लू, इग्लू आर द हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, जो आइस से बनाया जाता है, और इसको कौन लोग बनाते हैं, तो एक्सकीमो लोग इसको बनाते हैं। स्टील्ड हाउस, स्टील्ड हाउस जो होता है वह उन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसको बनाने के लिए देखिए पहले इसके इसमें स्टिक लगाया गया है, उसके ऊपर इसको बनाया गया। इसका कारण क्या है कि अगर ज़्यादा पानी हो तो बाढ़ से घर डूबे नहीं। नेक्स्ट है हाउस बोट, हाउस बोट इज़ फ्लूटिंग हाउस, इसको फ्लूटिंग हाउस कहते हैं, तैरने वाला घर, जो कि कश्मीर और केरला में देखे जाते हैं। कैनवेस, यह एक मोबाइल हाउस होता है जो कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने में इस घर का यूज़ करते हैं। टेंट हाउस को फ्लोटिंग हाउस कहते हैं, जिसको हम लोग मोड़ कर रख सकते हैं, ये कैनवेस से बना होता है, और इसे हंटर लोग, सोल्जर या कंपेयर्स लोग इन टेंट को जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर बना के फिर वहाँ पर रहते हैं। कीपिंग आवर हाउस क्लीन, तो हमें अपने घर क्या रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, तो इसको रखने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो स्वीपिंग एंड मॉपिंग डेली, हम लोगों को झाड़ू पोछा रोज करना चाहिए अपने घर पे। डस्टिंग एंड रिमूविंग कॉबवेब्स, मकड़े के जालों को या धूल को झाड़ना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। कीपिंग थिंग्स टू देयर प्रॉपर प्लेस, और चीज़ों को अपने सही जगह में रखना चाहिए। कीपिंग डस्टबिन कवर्ड, डस्टबिन ढके हुए होने चाहिए।
allowing fresh air and sunlight to enter all rooms. और ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी हर कमरे पे आए, ऐसी होनी चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का चैप्टर फिनिश। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं दे रही हूँ, लिखी हूँ, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके इस क्वेश्चंस को लिख लेंगे और फिर इसका आंसर अपने कॉपी में राइट करेंगे। थैंक यू।